गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव टॉट यू अबाउट द एडवर्टाइजमेंट एंड टू पॉपुलराइज अवर प्रोडक्ट और एनी अदर थिंग्स इन द मार्केट वी यूज एडवर्टाइजमेंट. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दैट इन योर कोर्स. ओनली क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स विल बी टीच. ओके, सो फर्स्ट इन क्लासिफाइड इज मैट्रिमोनियल्स. मैट्रिमोनियल्स मीन्स वैवाहिकी. स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी सीन इन द न्यूज़पेपर दैट ऑन संडे ए कॉलम इज गिवन पर्टिकुलर ऑन पेज विच इज बेस्ड ऑन मैट्रिमोनियल्स इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आर गिवन फॉर मैरिज ब्यूरो फ्रॉम मैरिज ब्यूरोज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मैट्रिमोनियल्स. हाउ टू राइट मैट्रिमोनियल्स, how to write for matrimonials column for first bride wanted. What are the conditions? Condition number first, box is compulsory. First condition क्या है? Box is compulsory. यानी इसको जो हमें लिखना है तो box के अंदर ही लिखना है. Second point है matter should be eye catching. मतलब ये हुआ कि उसमें जो आप details देंगे वो ऐसी होनी चाहिए जिस पे लोगों की निगाह पड़े. समझ गए ना? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैटर नीट एंड क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ एंड क्लियर होना चाहिए. मैटर कैसा होना चाहिए? मैटर शुड बी आई कैचिंग, ब्रीफ एंड क्लियर. नेक्स्ट है वर्ड्स लिमिट. इसकी जो है वो 50 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ड्स. ओके, अब हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्राइड वांटेड. ब्राइड वांटेड का मतलब क्या होता है? ब्राइड वांटेड का मतलब होता है वधू चाहिए. वधू बोले तो बिंदनी चाहिए, है ना? तो या बहू चाहिए, दुल्हन चाहिए, इस टाइप से. ओके, तो इसमें एक सिस्टम ये होता है कि जो चाहिए उसका जिक्र बाद में, जिसको चाहिए उसका जिक्र पहले होता है ना? तो हमने देखो सबसे पहले क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टेड ब्राइडग्रूम. सबसे पहले हम डिटेल किसकी देंगे? डिटेल देंगे प्रोस्पेक्टेड ब्राइडग्रूम, मतलब होने वाला दूल्हा कैसा होगा. ब्राइडग्रूम मीन्स क्या होता है? दूल्हा. तो डिटेल्स कहते हैं जानकारी ऑफ प्रोस्पेक्टेड. प्रोस्पेक्टेड का मतलब होने वाला ब्राइडग्रूम यानी दूल्हा. इसमें सबसे पहले जिक्र किसका होता है? उसकी कास्ट का. कास्ट का मतलब क्या होता है? जाति. नेक्स्ट उसकी एज कितनी है, फिर उसकी हाइट, फिर कंप्लेक्शन. कंप्लेक्शन का मतलब होता है रंग. रंग दो ही होते हैं, या तो फेयर कलर होता है या फिर कंप्लेक्स्टन होता है. कंप्लेक्स्टन मतलब गेहूं, व्हीट कलर भी दे सकते हैं आप. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन. वो पढ़ा लिखा कितना है, जॉब क्या करता है. अगर जॉब नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटस उसका कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. नेक्स्ट फैमिली बैकग्राउंड कैसा है. फैमिली बैकग्राउंड के बाद फैमिली का स्टेटस कैसा है. ये सारी जानकारी देने के बाद फिर हम ढूंढते हैं कि मेरे इस स्तर के लिए एक मैं लड़की को ढूंढ रहा हूं वो कैसी होनी चाहिए. तो डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइड. डिजायर्ड कहते हैं वांछित. वांछित का मतलब जैसी हमें जरूरत है. तो डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइड, होने वाली यानी इच्छित वांछित दुल्हन की डिटेल्स. डिटेल्स का मतलब जानकारी, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो पहले सबसे पहले तो वो सुंदर हो, ब्यूटी, उसकी ब्यूटी कैसी होनी चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी कास्ट कौन सी है. कई बार ऐसा होता है कास्ट नोबार भी आप लिख सकते हैं. कास्ट नोबार का मतलब होता है कोई जाति बंधन नहीं है,
अगर आपको इंटरकास्ट शादी करनी है तो उसके लिए यहाँ कास्ट का कॉलम हटा के लास्ट में सेंटेंस में लिख सकते हैं क्या, कास्ट नो बार। क्या लिख सकते हैं इस कास्ट के स्थान पे, कास्ट के स्थान पे आपका बीच में सेंटेंस आ सकता है कास्ट नो बार। इसका मतलब होता है कोई जाति बंधन नहीं, ओके, किसी भी कास्ट की चलेगी। आगे इसमें आता है हाइट, हाइट कितनी हो, उसके बाद उसकी एजुकेशन, उसका कंप्लेक्शन, रंग, उसके बाद होमली और वर्किंग। होमली का मतलब होता है घरेलू महिला, हाउसवाइफ चाहिए, या वर्किंग जॉब में काम करने वाली, जॉब करने वाली लड़की चाहिए। उसके बाद उसका रिलीजन कौन सा हो, आदि आदि बातें देते हुए फिर हमें थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा टाइप ऑफ मैरिज। किस प्रकार की आप शादी चाहते हैं, सिंपल, सिंपल का मतलब है नॉर्मल शादी, और अर्ली, अर्ली का मतलब होता है आधुनिक, मतलब जो है जल्दबाजी में, या बहुत शीघ्र आपको शादी करनी है, आधुनिक शादी करनी है, या अरेंज्ड, अरेंज्ड का मतलब दोनों फैमिली शामिल हों तभी हम शादी करेंगे, कि बिना फैमिली की मर्जी के भी कर सकते हैं अरेंज, बिना मर्जी के करना है तो कोर्ट मैरिज होगी, और फैमिली अगर शामिल होगी तो कौन सी होगी बेटा, अरेंज्ड मैरिज होगी। ओके, ये तो थी टाइप ऑफ मैरिज। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद आपको देना है कॉन्टैक्ट। जी हाँ, कॉन्टैक्ट में क्या क्या दे सकते हैं हम, सबसे पहले एड्रेस दे सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। दूसरा, एड्रेस नहीं देना चाहते तो फोन नंबर दे दें, फोन नंबर भी नहीं देना चाहता है तो मोबाइल नंबर दे दें, मोबाइल नंबर नहीं देना है तो ईमेल आईडी देना है, और इनमें से अगर कुछ भी नहीं देना है तो पीओ बॉक्स नंबर दे दें आप। पीओ बॉक्स नंबर का मतलब होता है कि जो मैरिज ब्यूरो खोले होते हैं उनका खुद का पर्सनल एक नंबर होता है, वो पीओ बॉक्स नंबर जारी कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली संबंधित जो होगा व्यक्ति वो उससे संपर्क खुद ही कर लेंगे, आप डायरेक्ट आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, उनके पास बस जानकारी आपकी पहुँच जाएगी, जिसमें क्या होता है कि जो ब्राइडग्रूम है उसकी जानकारी छिपी रहती है, जब आप वो जितनी जानकारी देना चाहेंगे बस उतनी ही जानकारी आपको प्राप्त होगी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपको एड्रेस देना पड़ेगा, या फोन नंबर, या फिर मोबाइल नंबर, या फिर अपनी ईमेल आईडी। इस प्रकार से हमें लिखना है ब्राइड वांटेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लें कि ब्राइड वांटेड यानी मतलब क्या हुआ, दुल्हन चाहिए, तो इसमें सबसे पहले दूल्हे का जिक्र, उसके बाद दुल्हन का जिक्र, जो चाहिए उसका जिक्र बाद में, जिसको चाहिए उसका जिक्र पहले किया जाता है। ओके, ठीक है, अब हम एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्राइड वांटेड का हम एक लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा वो देख समझ लें। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है एलियंस, एलियंस इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम। ओके, सबसे पहले क्या आ जाएगा,
उसकी सुंदरता के बारे में बताना होगा। सबसे पहले आएगा हैंडसम, स्मार्ट, आप पहले स्मार्ट लिख सकते हैं फिर हैंडसम लिख सकते हैं, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलियंस इन्वाइटेड फॉर ए हैंडसम स्मार्ट 24 YRS years, 5 feet 7 inches height, government lecturer, ठीक है जी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज, ओके। उसके बाद याद बॉय फ्रॉम स्टेटस फैमिली, ओके, लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटिफुल फेयर कंप्लेक्शन वेल एजुकेटेड परफेक्ट इन हाउस होल्ड वर्क परफेक्ट इन हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम स्टेटस फैमिली, राइट विद रीसेंट फोटो, राइट विद रीसेंट फोटो and complete biodata to, अब यहाँ पे आप जो है अपना ईमेल आईडी दे दें, टू अशोक यादव 187@gmail.com, ओके। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं रिंग टू 983736, ओके। इसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ के यहाँ से आपका ये बॉक्स बंद हो जाएगा, वो मेरा एक्स्ट्रा था, ये इस तरीके से आप बंद कर देंगे। आज लेट हो गए, चलते हैं।
ओके तो ब्राइड वांटेड में देख लें एक बार फिर से, मैंने क्या लिखवाया आपको कि एलियंस इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम, हैंडसम समझते हो, स्मार्ट क्लियर है, 24 इयर्स ये उसकी उम्र है, 5 फुट 7 इंच ये उसकी हाइट हो गई, लेक्चर इन गवर्नमेंट कॉलेज में है, यादव लड़का है, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, वेल स्टेटस फैमिली है, लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, तलाश कर रहा है एक वास्तव में सुंदर, फेयर कम्प्लेक्शन मतलब गोरा रंग होना चाहिए, वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी, परफेक्ट इन हाउस होल्ड वर्क घरेलू कामों में दक्ष, फ्रॉम स्टेटस फैमिली बढ़िया फैमिली हो, राइट विद रीसेंट फोटो, वह संपर्क करें अपनी हाल ही की फोटो के साथ एंड कंप्लीट बायोडाटा, और जो उसका कंप्लीट बायोडाटा है उसके साथ टू ashokyadav187@gmail.com, ये उसका ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद रिंग टू या कॉन्टैक्ट, यहाँ रिंग टू लिखें या फिर इसके स्थान पे क्या आ सकता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में हेडिंग डाल के और फिर ये आपका मोबाइल नंबर आ गया। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने जो भी बच्चा जिस कास्ट का है अपनी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंगली एक ब्राइड वांटेड पे होमवर्क में आप नेक्स्ट बनाएंगे। ओके थैंक यू।